सो दोस्तों आज हमारे पास है 2022 मॉडल KTM Duke 250 जो कि नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आ गया। आज हम इसके बारे में जानने वाले क्या चेंजेस हुए हैं। पहले आप देख सकते हो हेडलाइट वाइजर चेंज हुआ है, ऑरेंज कलर के साथ में आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। बाकी हेडलाइट आपको वही मिल जाती है। LED और मडगार्ड वाइजर भी चेंज हुआ है, आप देख सकते हो ऑरेंज कलर के साथ में, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो ओवरऑल ये फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली है, बहुत ही खूबसूरत सी। और अभी हम साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। साइड प्रोफाइल पे आपको टैंक कॉल पे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का एक स्टिकर वर्क देखने को मिलेगा। बाकी साथ में आप देख सकते हो ये कैसे दिखने वाली है, काफी खूबसूरत सी। और इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। इसकी प्राइस की बात करें तो मुंबई की ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाली है 283,000 रुपए। और रियर से कुछ ऐसे दिखेगी, रियर से कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और लेफ्ट साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। सो लेफ्ट साइड से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है और सीट आपको कुछ ऐसे मिलने वाली है। और ये रहा इसका टैंक, टैंक का कलर भी चेंज हुआ है। ये आपको अभी ग्रेस टाइप का टैंक देखने को मिल जाएगा। पहले आपको ब्लैक देखने को मिलता था या फिर सिल्वर देखने को मिलता था। और मीटर कंसोल में आपको दिखा देता हूँ ऑन करके। सो ये रहा मीटर कंसोल, आपको वैसे आपको मिलने वाला है जैसे आपको पहले मिलता था, फुली डिजिटल। और हैंडल बार आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे रहने वाले, सेम स्विचेस आपको मिल जाते हैं। और आपको इसमें स्लीपर क्लच मिलने वाला है। सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। ये नया कलर है, यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।